Good morning. Today is 21 September 2018 and we are going to discuss the editorial of the Indian Express. आज सबसे पहले देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट आए. पहला आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है हिंदू मुस्लिम भाईचारे से. आज हम लोग इस आर्टिकल में हुसैनी ब्राह्मीन के बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये हुसैनी ब्राह्मीन आखिर कौन थे, कैसे बने और फिर इनकी क्या मान्यताएँ हैं. इन सारी चीज़ों को समझने के साथ साथ आज हम लोग डिफरेंट हिंदू पोइट्स के बारे में भी समझेंगे जो हुसैन का गुणगान अपने पोएम्स अपने प्रोज के द्वारा किया करते थे, वो भी ऐसे समय में जब मेन और वुमेन का इंटरेक्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल समझा जाता था. तो वैसे समय में कैसे हिंदू के कोई मतलब पोइट जो हैं मुस्लिम का गुणगान कर सकते हैं, वो हमसे हम लोग पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. और ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि आज के दौर में जितने भी हम लोग मामले देखते हैं मिसकंडक्ट का, मिसट्रस्ट का एक दूसरे के कम्युनिटी के थ्रू, तो इतिहास कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि कैसे मतलब पुराने समयों में जब भी हमारे पर आपदा आई हम लोग साथ मिलकर जो है उस आपदाओं से लड़ाई किए. दूसरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल रिलेटेड है ILFS जो है ये मतलब ही ट्रबल में है. तो ILFS ये ट्रबल में क्यों है और ऐसी कंपनीज जो हम लोग आए दिन देखते हैं कोई ना कोई कंपनी मतलब ट्रबल में आ जा रही है, वो डेब्ट में चली जा रही है, तो ऐसे क्या कंडीशंस हैं. तो हम लोग बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आज के टाइम में एक बेटर जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की आवश्यकता है जो RBI के अलावा काम कर सके इंडिपेंडेंट तरीके से, क्योंकि RBI के पास इतना ज़्यादा प्रेशर है काम का कि वो सारी चीज़ों को एक साथ नहीं देख सकती हैं. तीसरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल में हम लोग राइट टू एजुकेशन जैसे हम लोगों को 2011 में मिला, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो वो उतनी इफेक्टिव अब तक हो नहीं पाई है. क्या आपको लगता है कि हमारे देश में सभी लोग शिक्षित हो गए? तो नहीं, ये इफेक्टिव नहीं है. तो ऐसे क्या कारण है और फिर उस कारण के अलावा हम लोग जो ऐसे प्रोविजन हैं उन सारे प्रोविजन को पूरे अच्छी तरीके से बुलेट पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कंटेंट को टीच करने की आवश्यकता है, वो जो कंटेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके कंपाइल्ड वे में सिलेबस बनाने की आवश्यकता. और साथ ही साथ जब हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करते हैं तो उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में क्या स्पोर्ट्स को जोड़ना आवश्यक है? नहीं, स्पोर्ट्स को हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं समझना चाहिए. स्पोर्ट्स जो है बच्चों का राइट है और उन्हें खेलने के लिए हर संभव उनके एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाना यह हमारा जो है दायित्व बन जाता है. तीसरा आर्टिकल के अलावा चौथी आर्टिकल है, यह आर्टिकल NPTEL के से रिलेटेड है. NPTEL मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ठीक है. तो ये NPTEL को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ये जो NPTEL है ये मतलब किसके द्वारा फंड की जाती है? ये फंड की जाती है MHRD के द्वारा, ठीक है. और साथ ही साथ इसमें देखो ये जो इतनी इफेक्टिव होती है इसकी वीडियोस और लर्निंग जो प्रोग्राम होते हैं वो मतलब इसे पढ़कर मतलब हमारे स्टूडेंट जो हैं गेट एग्जाम भी बहुत इजिली क्रैक करने में सक्षम हो पा रहे हैं. और ये है मतलब कहीं ना कहीं हमें ये चीज भी सिखाती है कि सेल्फ एजुकेशन मतलब सेल्फ स्टडी करने की अगर हमें आदत लगती है तो वो कहीं ना कहीं हमें सेल्फ इस्टीम मतलब हमारे अपने आप में अपने खुद के लिए एक आदर मतलब और सम्मान की भावनाएं उजागर हो जाती हैं. और आज के दौर में जहां मार्केटिंग मनी और मीडिया जो एजुकेशन सिस्टम को पूरी चारों तरफ से घेर कर रख लिया है, वैसी स्थिति में जो है लर्निंग मटेरियल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को प्रोवाइड करवाना और ऐसी स्थिति में जिससे कि आप और हम जो हैं सेल्फ स्टडी करने में इजिली सक्षम हो सके, जो मटेरियल जो भी ट्रबल पॉइंट्स हैं उस ट्रबल पॉइंट को हमें कोई हेल्प कर सके घर बैठे, तो ये अपने आप में जो है बहुत ही सराहनीय स्टेप्स है. और स्पोकन मटेरियल जो इसके होते हैं NPTEL के उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी डाउनलोड करके आप जब चाहो तब उसे देख सकते हैं. और मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स आपके और हमारे लिए, मतलब 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी जो हैं इस प्रोग्राम से एफिलेटेड हैं और इस प्रोग्राम का मतलब लुफ्त उठा रहे हैं. और साथ ही साथ जब ये क्वेश्चन उठता है आज के दौर में कि जॉब की कमी क्यों है, तो एक मतलब उसमें कोई ना कोई आंसर इस टाइप का भी दे देता है कि लोग इतने इंजीनियर्स ही हो गए हैं आज के दौर में कि मतलब जॉब की कमी हो गई. लेकिन ये इंजीनियर्स नहीं हुए, इंजीनियर्स भले ही आपको और हमको दिखते होंगे कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स अगर देखा जाए तो वो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स की कमी है जो कि मतलब जॉब लेने के लिए सक्षम है. एक मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सर्वे करवाया गया और फिर ऐसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मतलब जो स्टूडेंट्स थे उनमें मतलब इस आर्टिकल में बताया गया
जब उन्हें मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक टेस्ट लिया गया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पाया गया कि वो सिंपल से प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो जब आप मतलब सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ सकते तो फिर उसमें जॉब आप कैसे उस फील्ड में खुद के लिए ढूंढ सकते हो। तो हमें कहीं ना कहीं खुद को खंगालने की आवश्यकता, और जब ये खुद को खंगालने की बात आती है तो वैसे स्थिति में सेल्फ एजुकेशन जो है अपने लिए बहुत ही इफेक्टिव एक हथियार बन जाता है। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं, इस आर्टिकल को मैं डिटेल में इसलिए बता दिया चौथे आर्टिकल को क्योंकि इसमें इतना ही था। बाकी इसके नोट्स जो हैं आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो और आप जब चाहो इसे फ्यूचर में रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ मुझे कल जानकर ये बहुत अच्छा लगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इंस्टाग्राम जैसे पेजेस सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज नहीं करते हो क्यों और इसे मेथड ऑफ डिस्ट्रैक्शन समझते हो। तो मैं आपको मतलब जितने भी जैसे मैं बताया था कि द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के न्यूज़पेपर के पर पेज वाइज किस पेज में कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने चाहिए कौन से नहीं चाहिए वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अब मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया करूंगा इंस्टाग्राम के अलावा। और भी जितने इंपॉर्टेंट दिन भर के न्यूज हैं जो आपको जानने चाहिए वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और इंपॉर्टेंट मैगजीन्स जैसे योजना हो गई या फिर जो भी मैगजीन्स हमें पढ़ने के लिए आप मुझे लगेगा आपके लिए आवश्यक है या फिर कोचिंग मटेरियल्स होंगे वो सारी चीज़ों को भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूंगा। आपको बस जो है एक सेल्फ अवेयर रहने की आवश्यकता है और जो है खुद पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये देखो अभी बताया जाता है कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखे जा सकते हैं हमारी कम्युनिटी में जो कि हिंदू कम्युनिटी जो है कि ये मुहर्रम को ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक भाईचारे का एक सिंबल समझते हैं। तो देर इज ए ग्रुप ऑफ ब्राह्मीन, एक ग्रुप ब्राह्मीन का एक ग्रुप है जो कि हम लोग क्या कहते हैं मोहल ब्राह्मीन, ठीक है। ये मोहल ब्राह्मीन लेकिन ये खुद को प्रीफर क्या कहलाना पसंद करते हैं, ये खुद को प्रीफर करवाना पसंद करते हैं हुसैनी ब्राह्मीन, ठीक है। ये देखो हुसैनी ब्राह्मीन, दे नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन द मुहर्रम प्रोसेशन। बोला जाता है कि ये जो हुसैनी ब्राह्मीन होते हैं ये सिर्फ मुहर्रम के प्रोसेशन में ही शामिल नहीं होते बल्कि ये पूरे माह जो हैं अपने जो सोशल सेलिब्रेशन जैसे शादी विवाह होती हैं उन सारी चीज़ों में भी वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि इसे एक मतलब शोक की माह समझते हैं। एंड द बिफोर पार्टीशन, ये जो हुसैनी ब्राह्मीन के बारे में आप सुन रहे हो, ये जो पार्टीशन से पहले जो थे ये हुसैनी ब्राह्मीन कहाँ रहा करते थे, ये सिंध रीजन और लाहौर रीजन में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जब ये पार्टीशन के बाद ये जो रीजन है ये पाकिस्तान में चली गई तो इन्हें फोर्स्ड होना पड़ा जैसे पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, अलाहाबाद हो गया या फिर पुष्कर जैसे रीजन में जाकर सेटल होने को। और हुसैनी ब्राह्मीन ये सब बिलीव करते हैं कि उनके जो एंसेस्टर थे राहिब दत्त, ये अलॉन्ग विथ हिज सन, वो मतलब राहिब दत्त अपने सन के साथ अपने पुत्रों के साथ जो है ये मतलब हुसैन इमाम हुसैन जो करबला में जो लड़े थे उस लड़ाई में जो है इनका ये साथ निभाए थे। सम क्लेम, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो थे हुसैनी ब्राह्मीन ये कोर्टियर मतलब राज दरबारी थे चंद्रगुप्त के शासन में, और चंद्रगुप्त उस टाइम जब राजा थे तो वो कहां के राजा थे, लाहौर, मतलब उस टाइम जो पाकिस्तान में अभी जो आता है। तो दैट वेयर द टू ब्राह्मीन्स, और यहां पर बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसा भी कहते हैं कि इराक में जब युद्ध चल रही थी तो दो ब्राह्मीन वहां पर मतलब थे और उसमें से एक जो है राहिब दत्त ही होंगे, ऐसा कहना हम इसमें कोई भी मतलब शक नहीं कर सकता। देर वर देर क्लोथ एंड मर्चेंट्स, मतलब ये जो हुसैनी ब्राह्मीन बोल रहे हैं ये इराक में एज ए क्लोथ मर्चेंट थे, और जब ऐसी मतलब युद्ध की वहां पर चीजें उभर कर आई तो ये लोग मतलब समझने लगे कि ये जो युद्ध है ये एक महाभारत और रामायण जैसा युद्ध है और गुड और इविल के बीच बिटवीन ये युद्ध है, और इसलिए जो राहिब दत्त हैं ये अपने पुत्रों को सातों के सातों पुत्रों को जो है हुसैन का हेल्प करने के लिए भेजे। और ये बोला जाता है कि ये जो युद्ध था ये एक तरफा युद्ध समझा जा रहा था लेकिन इसके बावजूद भी राहिब दत्त जो है अपने लिए वो मतलब हुसैन को हेल्प करने के लिए क्योंकि वो फॉर द गुडनेस ऑफ द सोसाइटी के लिए वो लड़ रहे थे वो अपने पुत्रों को वहां पर भेजे। उनके पुत्र जो है उसमें ही शहीद हो गए और जो है राहिब दत्त के जो पुत्र थे शहीद हो गए लेकिन जो हुसैन थे वो सर्वाइव कर गए। तो सर्वाइव जब करने के बाद राहिब दत्त जो है वो फैमिली से जो मिले हुसैन के फैमिली से और उसके बाद हुसैन जो है उन्हें ही मतलब एज ए ऑनर जो है हुसैनी ब्राह्मीन उस दिन जो है उनको टैग दिया। और फिर ऑल हुसैनी ब्राह्मीन्स हैव और जितने भी हुसैनी ब्राह्मीन्स हैं आप उनके देखोगे ऑन देयर नेक उनकी गर्दन पे एक स्कार एक मतलब मार्क जैसा बना होता है और उस मार्क को वो मतलब एज ए सिंबल समझते हैं किसका, मार्टिरडम का, और इमाम हुसैन एंड द ब्राह्मीन ब्रदर्स हुड थ्रोट वेयर स्लिट, जिनकी मतलब वहां पर गर्दन रेत दी गई थी वो उसका एक ऐसे
अपना सिंबल समझते हैं. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में जहाँ पे हिंदू वुड ऑब्जर्व द मुहर्रम, जहाँ पे हिंदू लोग जो है मुहर्रम के को ऑब्जर्व करते हैं और कंपोज मरसियाज मरसियाज को कंपोज करते हैं, या फिर इमामबाड़ा जो है लखनऊ में इमामबाड़ा को बनाए. और इसमें से एक नाम आता है चुन्नू लाल दलगीर. ठीक है, चुन्नू लाल दलगीर के बारे में बताया जाता है कि ये जो कपलेट लिखा करते थे वो थॉट टू बी हिस्टोरिकली एक्यूरेट रेदर देन, मतलब मोस्ट ऑफ द जैसे पोइट का बोला तो चीज़ें फिक्शन होती हैं, इमेजिनरी होती है, लेकिन ये जो दलगीर के कपलेट थे वो मतलब ये एक्यूरेट माने जाते हैं. और कपलेट क्या होता है, कपलेट मतलब राइमिंग वर्ड होता है. जैसे आप दो लाइन लिखते हो तो दोनों लाइन का जो लास्ट वाला वर्ड होता है जो राइमिंग किया जाता है उसे हम लोग कपलेट कहते हैं. जैसे यहाँ पे देखो तकसीर हो गया, दिलगीर हो गया, तो ये देखो ये इनके द्वारा लिखा गया है कि बख्श दीजिए हसर में यारब मेरी तकसीर भी, पाए नामे तजिया दरन हो ये दिलगीर भी. तो ये तकसीर दरगीर जैसे मतलब राइमिंग वर्ड को यूज करना ही हम लोग क्या कहते थे, कपलेट्स. और इसका मीन क्या हुआ कि ओ गॉड फॉरगिव मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जब डे ऑफ जजमेंट होगा आप मुझे उस दिन माफ कर देना, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मॉर्नर्स ऑफ द हुसैन, क्यों, क्योंकि मैं भी हुसैन के शोक करने वालों में से एक था. तो ये सारी चीजें जो है हुसैन के बारे में लिखना, ये जो है हिंदू पोएट को इस चीजों को दर्शाता है. और दलगीर पोएट्री इज अ प्लेड, और दलगीर की जो ये इस तरह की पोएट्री थी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी इवोल्यूशन ऑफ द उर्दू मरसियाज. और ये मरसियाज क्या होता है, ये दो तीन बार मैंने यूज कर लिया ये वर्ड को, मरसिया एक इलेजिक पोएम होता है. ठीक है, रिटर्न इन द कमेमोरेट मतलब उनका स्मरण करते हुए, पुण्य स्मरण करते हुए उन शहादत का जो हुसैन इब्न अली थे कॉमरेड्स ऑफ द करबला जो कि करबला में लड़े थे, तो उनकी पुण्य स्मरण करते हुए शहादत की जो आप पोएम लिखते हो, जो गाने गाते हो, उस स्मरण को हम लोग क्या कहते हैं, मरसिया. और यही दलगीर जैसे पोएट जो है इसे लिखा करते थे एट द टाइम व्हेन द दलगीर वाज राइट. और सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि उस समय जब ये दलगीर ये सारी चीजों की लिख रहे थे तो उस टाइम इंटरेक्शन जो हिंदू और मुस्लिम के लिए तो फिर भी आसान था, लेकिन बिटवीन मेन एंड वुमेन, मेन और वुमेन का इंटरेक्शन इतना आसान नहीं कहा जाता था. तो वैसी स्थिति में दलगीर जो है ऐसे रिचुअल्स का और ऐसे इडियम्स का यूज किए हैं अपने पोएम्स में जहां पर मुस्लिम वुमेन जो चीजों को यूज करती थी और मतलब इतने इलाबोरेटिव वे में की थी, ये अपने आप में एक सराहनीय है. और साथ ही साथ देखो दूसरे एग्जाम्पल मेवा राम, जिन्हें दीवाने ऑफ द गजुद्दीन हैदर ऑफ अवध के वो वहां पर दीवान थे, ग्रेट फॉलोअर ऑफ इमाम हुसैन, वो इमाम हुसैन के बहुत ग्रेट फॉलोअर थे और वो जो है मतलब इमाम बारा भी बनाए कहाँ पे, और तजियादारी भी अरेंज की अपने रेसिडेंस पे. फिर राय सतब सिंह बेदार, ये दूसरे तीसरे एग्जाम्पल हैं, जो कि एक पोएट थे who has left the body of romantic verses along with the number of marsiyaj. ये भी मतलब बहुत ही मतलब ऐसे romantic verses के साथ साथ जो है number of marsiyaj को लिखा करते थे. तो ऐसे समयों में जबकि one hears the, आज हम लोग daily मतलब आए दिन newspaper पे या फिर news में भी हम लोग communal mistrust और communal misconduct, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बारे में सुनते रहते हैं, तो ऐसे समय में हमें ये history जो है एक better lesson हमें सिखाती है कि किस तरह जो है एक social cause के लिए, एक good cause के लिए कैसे एक हिंदू भी जो है मुस्लिम का साथ निभा कर उनके काउज को हेल्प करने में हम लोग हमें कभी पीछे नहीं हटे. नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल बताती है इंफ्रास्ट्रक्चर लर्निंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, जिसे हम लोग ILNFS कहते हैं, ये अभी ट्रबल में है. ट्रबल में क्यों है, इससे पहले हम देखो कि ILFS जो कंपनी, इसके शेयर होल्डिंग किस तरीके से है. ये 25.3% जो है ये LIC के अंडर आती है इसकी शेयर. और फिर देखो इसकी मेजर शेयर कौन हो गए, ये HDFC बैंक हो गए, फिर कौन हो गया यहां पे सेंट्रल बैंक हो गए. तो इतने जो ये लोग हैं इसके स्टेक होल्डर हैं. तो अभी कंसर्न क्या चल रहा है, इसके ऊपर बहुत हाई लेवरेजेस हो गए हैं और जो ये साइजेबल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्सिडियरी, तो ये सारी चीजें होने के बावजूद अब ये मतलब बोला जा रहा है कि LIC जो इसके मेजर स्टेक होल्डर हैं, इसको मतलब जितने इसके डेब्ट हैं इसको खरीद लें, मतलब मोस्ट ऑफ द शेयर इसके खरीद लें और इसके डेब्ट को चुकता करने में मदद करें. तो देखो सम ऑफ द सब्सिडरीज डिफॉल्टेड ऑन देयर डेब्ट, इसकी जो ILFS की जो सब्सिडरीज होती है, जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी मान लो कि एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी, तो उसकी सब्सिडरीज होती है ना कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा जो है वो चीजों को और भी मोबाइल भी बना रही है, कुछ ऐसी जो पाइपलाइन भी बना रही है, कुछ ऐसी मतलब वही कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो है सिम भी बांट रही है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट उनके सब्सिडरीज कंपनी होते हैं, जैसे रिलायंस का ही एग्जांपल ले लो, तो वो जो उनकी सब्सिडरीज कंपनी है एक एक करके ये क्या हो रही है, डेब्ट में जा रही है. तो इफ टैक्स पेयर मनी, तो अब बोला जाता है कि इसको अब बचाने की जब बात हो रही है, तो वैसी स्थिति में टैक्स पेयर मतलब हमारा और आपका मनी जब ये ILFS को बचाने के लिए यूज किया जाएगा, तो ऑब्वियसली जब हम लोग टैक्स की मनी को इसमें यूज करेंगे तो हमारी
यूनियन बजट पे जो है ये मतलब एक्स्ट्रा बर्डन डाल देगा। दिस सिचुएशन नीड टू बी हैव एन अराइजल, बोला जाता है ऐसा सिचुएशन आने मतलब आया ही क्यों, इसे हम लोग पहले भी रोक सकते थे अगर हम लोग सिस्टमैटिक रिस्क रेगुलेटर एंड रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन ले आते। मतलब एक सिस्टमैटिक वे में कोई रेगुलेटर होता जो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत गहन तरीके से अगर ऑब्जर्व कर रहा होता और इसके शुरुआती ट्रेंड उसको पता होते कि ये डेब्ट में जा रही है और फ्यूचर में ये और कितना खराब हो या फिर प्रॉफिट या लॉस बना सकती है, तो इसको ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं था और ये जो है दिनों दिन और भी डेब्ट में चला गया। और हमारा मतलब जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है उनकी मतलब कहना भी यह है कि इफ इट एंटर ब्रोक, मतलब ये जब तक टूट नहीं गया उसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिचुएशन आज कितनी मतलब हमारे लिए दयनीय हो गई है कि सारी की सारी कंपनी एक एक करके उभर कर आ रही है और पता चल रहा है वो डेब्ट में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द बैंक्रप्सी ऑफ द लेहमान ब्रदर, मतलब ये जो लेहमान ब्रदर जो बैंकरप्ट हो गए थे, इससे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन हमें क्या सीखने को मिला कि फेलियर ऑफ द वन कंपनी, एक कंपनी भी अगर फेल कर जाती है तो उसकी जो रिस्क है वो फाइनेंशियल सिस्टम पे मतलब पूरे विश्व पे जो है उसका रिस्क होता है और उसको बियर करना पड़ता है। और सच सिस्टमेटिक रिस्क और ये जो रिस्क की बातें हो रही है इस रिस्क को मतलब मॉनिटर करने की आवश्यकता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू रेस्पॉन्ड टू द ट्रबल। और ये से कैसे हम लोग मॉनिटर करें, तो सबसे पहले कि रेगुलेटर मस्ट एट ऑल टाइम हु विल गेट, रेगुलेटर को पहले ये बातें पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी कुछ रिस्क जैसे सिचुएशन आई तो सबसे पहले कौन इफेक्टेड होंगे, कौन ये जो फेल होगा इससे कौन इफेक्टेड होंगे, किस हद तक इफेक्टेड होंगे, और फिर जब ये इफेक्ट आएगा मतलब इसका जब ये लॉस में जाएगा तो इसके कंसीक्वेंसेस, वो जो फेलियर होगा उसका कंसीक्वेंसेस क्या होता है, ये सारे पैरामीटर जब एक रेगुलेटर के पेपर में बना होगा तब फिर ये फुल पिक्चर ऑफ देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज और उसके साथ साथ जब उस रेगुलेटर के पास वो उनके पास कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, वो उन सारी चीजों को हम लोग जब समझेंगे तो हम लोगों को जो है एक उसको बेटर मॉनिटर करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। जहां तक बात है एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे एक कंपनी है, ठीक है, जैसे एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट जो है वाइन की बॉटल को मतलब मान लो कि 100 वाइन की बॉटल को ऑर्डर की और ये कंपनी ए है, तो कंपनी ए जो है ये कितने 100 वाइन के बॉटल को रेस्टोरेंट जो मान लो ये रेस्टोरेंट आर है, रेस्टोरेंट आर को पहुंचा दी, तो ये 100 बॉटल इसके पास आ गया। लेकिन ये जैसे ही 100 बॉटल मान लो कोई ट्रक से यहां पर पहुंचाया गया तो क्या वो ट्रक ड्राइवर को पैसे दे देगी या क्या वो तुरंत पैसे मांगने आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ये 100 के 100 बॉटल आ गए और ये बाद में जो है इस पैसे का सेटलमेंट बाद में होता है उस कंपनी के बीच और रेस्टोरेंट के बीच, हो सकता है महीने के एंड में हो या फिर कोई फिक्स डेट होता हो। लेकिन देखो जैसे ही ये 100 के 100 बॉटल यहां पर आ गए तो रेस्टोरेंट के पास क्या हो गया, ये लायबिलिटीज हो गया, ये 100 बॉटल का मान लो कॉस्ट अगर 1 लाख रुपया आता है तो 1 लाख रुपये जो रेस्टोरेंट के लिए क्या हो गया, क्योंकि लाख रुपए उसे आज ना कल जो है कि ये जो कंपनी ए को देना है, लेकिन कंपनी ए के लिए जो लाख रुपए हैं वो अभी भले ही उसके पास नहीं हो गए लेकिन ये लाख रुपए जो उनके कितने बन गए, एसेट्स बन गए, वो जो है ये लाख रुपए जो है इसका आप कभी भी वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को समझना है कि एसेट्स और लायबिलिटीज में ये अंतर होता है। दिस फर्म्स कैन बी पुट अंडर द इनहेंस सुपरविजन, और ये जो जब हम लोग पूरे उनके एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी होगी और फिर उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में समझ लिए होंगे तो फिर वो क्या चीजें हो सकती है और उसको सुपरवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। IL&FS जहां तक की बात है एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है और जो कि रेगुलेट किसके द्वारा की जाती है, RBI के द्वारा आज की जा रही है, लेकिन RBI डज नॉट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। ये बात समझने की बात है कि RBI के पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि मतलब उनको हेल्प कर से अंडरस्टैंड करने में कि अदर फाइनेंशियल फर्म्स अराइजिंग फ्रॉम द डेब्ट, मतलब वो कौन सी चीज़ें डेब्ट में क्यों जा रही हैं, कैसे जा रही हैं और कितनी डेब्ट में जा रही हैं, ये सारी चीज़ों को RBI नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये चलो ठीक है, RBI बैंक लोन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड टर्म्स को जान सकती है कि कौन सी मतलब बैंक कितने लोन किसको दे रही है, लेकिन जब बात आती है पेंशन फंड की, जब बात आती है प्रोविडेंट फंड की, जब बात आती है म्यूचुअल फंड की, जब आती बात आती है इंश्योरेंस कंपनी होल्ड्स द डेब्ट ऑफिस उन किसी कंपनी की सब्सिडरीज हैं वो कितने डेब्ट हैं, तो ये सारी चीजों को RBI जो है मॉनिटर एक साथ नहीं कर सकती हैं। तो RBI डज नॉट रेगुलेट देम। क्यों? क्योंकि RBI जो है उसकी देखरेख करती ही नहीं, RBI उसको रेगुलेट ही नहीं करती, तो RBI को ट्रू पिक्चर आखिर पता कैसे चलेगा। और ऐसी जो बात नहीं है कि ऐसे सिचुएशन पहली बार हमारे कंट्री में आ चुकी है, यह ऐसा सिचुएशन पहले भी आ चुका था जब पोस्ट लहमान जो जब उनका जो वो बैंकक्रप्ट हुए थे तो हमारी एक कंपनी थी AIG एंड इंश्योरेंस कंपनी
कंपनी विटनेस ऐसे ही वो डिस्ट्रेस में चली गई थी। तो लेजिस्लेटिव एंड आर्किटेक्चरल रिफॉर्म, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि एक लेजिस्लेटिव एक और आर्किटेक्चरल मतलब पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में, एंड अ बॉडी दैट वुड मॉनिटर द सिस्टमेटिक रिस्क, और एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी रेगुलेटर होने की आवश्यकता है जो कि इस रिस्क को जो है बहुत ही क्लोजली मतलब मॉनिटर करे, और उन्हें मतलब पहले से एक एडवांस में पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी जो है किस तरीके से बिहेव कर रही है। द फाइनेंशियल डेटा एंड मैनेजमेंट सेंटर वुड हैव अ लीगल पावर्स, और फाइनेंशियल ये जो डेटा और मैनेजमेंट सेंटर जो रेगुलेटर की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसकी आवश्यकता है उसके पास एक कुछ लीगल पावर्स भी होनी चाहिए, एंड रेगुलेटरी डाटा अलॉन्ग विद द सेक्टोरल रेगुलेटर, और उनके पास जो सारी डेटा के साथ वो जो सेक्टोरल रेगुलेटर्स होते हैं उन सारी चीजें जो है उनको मुहैया करवानी चाहिए जिससे चीजों को हम लोग बहुत ही फ्यूचर में समझ सकें। अनदर इक्वली इंपॉर्टेंट लेसन जो है कि बोथ बैंक एंड नॉन बैंक नीड टू हैव एन ऑर्डिनरी मैकेनिज्म ऑफ देयर रिजोल्यूशन, और जितने भी बैंकिंग सेक्टर है या नॉन बैंकिंग सेक्टर है ये हमेशा ऊपर से ही प्रेशर डालकर उन्हें ये चीजें करनी है वो चीजें करनी है, ऐसा क्यों? मतलब बैंक के पास भी एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि उनके एसेट्स जो हैं उनकी जो है मतलब जो पैसे हैं वो कहीं डूब रहे हैं कहीं वो मतलब फॉल कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो मतलब इमीडिएटली कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकें जिससे कि जो है पैसे की भरपाई हो सके और हमारी इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं आ पाए। टुडे द ऑप्शंस आर लिमिटेड, आज के दौर में अगर हम लिमिटेड मतलब ऑप्शंस को देखने की कोशिश करें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं तो हम देखते हैं बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। क्यों? द फर्म्स कैन बी फोर्स टू सोल्ड, अभी जैसे ILFS चली गई तो ILFS के पास ऑप्शन क्या बचाएगी? या तो आप अपने जो शेयर हैं उस शेयर को सोल्ड कर दो, दूसरे को सेल कर दो, लेकिन जब आप बात होगी कि आप बेचोगे तो किसे बेचोगे, तो एक आंसर अभी जो उभर कर आ रहा है पिक्चर में वो है LIC, लेकिन LIC हर चीज़ों का LIC मतलब सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अभी हमने देखा IDBI बैंक जो लॉस में चलेगी तो उसे LIC ने हैंडओवर मतलब ले लिया, तो जितने भी मतलब कारकासेस मतलब मरे हुए मतलब जो कि शिथिल हो गए ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर, उन सारे सेक्टर को LIC जो है फिर से जीवित नहीं कर सकती। और साथ ही साथ ILFS कैन बी टेकन थ्रू, दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि दूसरा ऑप्शन है कि IBC के थ्रू, IBC के थ्रू क्या होता है मैं ये बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू क्या होगा कि आपके कंपनी को मतलब जब आप डेब्ट चुकाने में असक्षम हो जाओगे तो आपकी कंपनी का क्या किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, बोली लगाई जाएगी, और फिर जो मतलब बोली में आपको मैक्सिमम दामों पर खरीदेंगे सही अप्रोच से खरीदेंगे उनको जो है आपकी कंपनी की मैनेजमेंट उनके हाथों में दे दी जाएगी। तो ये भी एक बेटर सॉल्यूशन नहीं है, हमें जो है ऐसी सिचुएशन आने देने की ही क्या आवश्यकता, हमें पहले ही इन सिचुएशन को रोक लेना चाहिए, ऐसा हमें सिस्टमेटिक अप्रोच लेने की आवश्यकता है। टेम्पररी सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग अ क्रैक टीम एंड द वॉर रूम, मतलब जितने भी एक टेम्पररी सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जितने भी टीम है और जितने भी मतलब कंपनी जो इस चीजों से गुजर रही है सब को एक साथ बुलाओ और उसमें आपस में जो है एक बात विवाद होनी चाहिए कि किस तरीके से इन चीजों का सॉल्यूशन बेटर वे में आ सकता है। तो ILFS ट्रबल, ये जो ILFS की ट्रबल है ये कहीं ना कहीं किस चीजों को एक्सपोज कर रही है, वीकनेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, जो हमारे देश में रेगुलेट कर रही है बॉडी जो उस चीजों को देखती है हमारी कंपनी को उनकी वीकनेस को उजागर कर रही है। रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म आर ब्रॉट बैक टू द टेबल, तो हमें जो है कुछ रिफॉर्म्स लाकर और एक बेटर रेगुलेटर की आवश्यकता अभी आवश्यकता है। तीसरा आर्टिकल है ये बताती है कि लॉडेड द स्कूल ऑफ द नॉट सीकिंग आर्म्स फ्रॉम द स्टेट ही, मतलब यहाँ पर हमारे MHRD मिनिस्टर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिए कि मतलब स्कूल को जिन्हें फंड की आवश्यकता है उन्हें हमेशा जो है एक ऐसे मतलब भिक्षा मांगने के लिए हमेशा मिनिस्टर्स के दरवाजे पे नहीं आनी चाहिए, रेदर देन आप जो है अपने एल्यूमनाई को बोलो जो कि आपके स्कूल से पढ़कर निकले हैं वो आपको बेटर वे में हेल्प कर सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये जो एडिटोरियल में कहा गया कि ये स्टेटमेंट जो है उनका ये मतलब सही नहीं कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इट इज द पीपल्स मनी विच रन इट, मतलब जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं ये सारी चीजें किसके पैसे के द्वारा चल रही है, ये सारे जो है हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, और फिर इट्स स्टाक नॉट ओनली द, और जो गवर्नमेंट का उसमें रोल सिर्फ ये हो जाता है कि आप उसको एडमिनिस्टर करो और रिसोर्स दैट पीपल जनरेट, जो कि पीपल आपको पैसे दे रहे हैं उसको ये डिसाइड करो स्कूल के लिए कि कितने टीचर्स की आवश्यकता है, वो अगर वो आवश्यकता है तो आवश्यकताओं को पूर्ति करो, और फिर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर फैसिलिटीज ये सारी चीज़ों का रेगुलेट करना ये गवर्नमेंट का काम है, ना कि मतलब जो जिस पर्पस के लिए जो टैक्स पर पैसे दे रहे हैं उस पैसे को मतलब आप जो है देने से ही इनकार कर दो। और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है 2017-18 का उसमें ये बताया गया कि स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट टुगेदर हैव बीन, मतलब जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट एक साथ अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलाकर भी जो है एजुकेशन में
जितनी खर्च हो रही है वो मतलब लेस देन 3% जो हमारी जीडीपी की जो है एजुकेशन सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो राइट टू एजुकेशन हमने 2011 में हमें बहुत ही परेशानियों के साथ हमें मिला, तो उसकी इफेक्टिवनेस, अगर वो राइट टू एजुकेशन सिर्फ दे देना, सिर्फ एक राइट बना देना ही हमारा पर्पस नहीं है, उसका इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। और उसकी इफेक्टिवनेस जब जांचने की बात आए तो उसके इफेक्टिवनेस को हम लोग कैसे जांच सकते हैं कि ये हम लोग ये देखेंगे कि प्रॉपर एलोकेशन, वो जो रिसोर्स है, पैसों की एलोकेशन है, वो प्रॉपर होनी चाहिए, या तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, या फिर मिड डे मील के लिए हो, या फिर टीचर के एजुकेशन है, डिफरेंट टीचर जो है वो खुद एजुकेटेड हो, उनको प्रॉपर टीचर्स ट्रेनिंग दी गई हो, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड अदर रिलेटेड उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो बेटर वे में मतलब ऑर्गेनाइज की जाए। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम लोग ठीक तरीके से नहीं गौर फरमाएंगे तब तक हम लोग जो है उसकी इफेक्टिवनेस, राइट टू एजुकेशन की जो मतलब मूल सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं हम लोग धूमिल करते रहेंगे। रिजॉल्व टू क्रूशियल द स्कूल्स करिकुलम बाय 50%। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया कि मतलब स्कूल के करिकुलम को 50% तक जो हम लोग कर्टेल कर देंगे, और जिससे क्या होगा, जो 50% कटने के बाद जो मतलब स्पेस बचेगा उस स्पेस का यूज हम लोग किस में करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए करेंगे। तो अगर हम लोग देखो अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के स्टेटमेंट को देखा जाए तो करिकुलम, एक जो करिकुलम होता है, इज नाइदर अ डॉक्यूमेंट, उसको ना तो आप डॉक्यूमेंट समझ सकते हो और ना ही सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ना ही आप उसे एक एक्सपीरियंस का सिक्वेंस समझ सकते हो। तो आखिर ये करिकुलम होता क्या है? ये करिकुलम होता है फैसिलिटेटिंग लर्निंग फॉर द चाइल्ड। ये एक प्लान है जिससे कि मतलब बच्चों के लर्निंग को हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। और जब हम लोग प्लान की बात करते हैं तो वो प्लान मतलब इस चीज़ों के लिए प्लान होनी चाहिए कि वेयर द चाइल्ड, अभी जो मतलब चाइल्ड की स्थिति किस तरीके से है, ये जो मतलब हम लोग एस्पेक्ट एंड डायमेंशन, ये जितने भी एस्पेक्ट और डायमेंशन है लर्निंग का, क्या हम लोग उसे नेसेसरी वे में जो हम बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है उसे कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वाई सच एंड सच लर्निंग, और कोई भी प्रोग्राम्स अगर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम की क्या आवश्यकता है और वो मतलब किस तक उन्हें बेनिफिट पहुंचाएगी, एंड वॉच एजुकेशनल एमिट्यूड सब, ये सारी चीजों को पहले हमें अपने में सवाल करने की आवश्यकता है। और जब हम लोग प्लान की बात करते हैं तो ये प्लान इस चीजों को भी डिफाइन करती है कि कौन सा कंटेंट टीचर को पढ़ाना है और कैसे बेटर वे में सिलेबस को ऑर्गेनाइज करता है। ये हमें रेकमेंड भी करती है कि टीचिंग मेथड मतलब टीचिंग मेथड हमें चेंज करने की आवश्यकता है, एंड इवेल्युएशन एंड क्राइटेरिया फॉर द गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और जो ये जो मटेरियल है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता। तो प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए, करिकुलम इज देयरफॉर। तो इन सारी चीजों और प्लानिंग को समझने के बाद अगर हम किसी को बोला जाए कि आप करिकुलम को डिफाइन करो, तो करिकुलम को डिफाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एट अ पर्टिकुलर, मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्या है किसी पर्टिकुलर प्लान का, उस प्लान के ऑब्जेक्टिव को पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले तो आप फिगर आउट करो, फिर सब्जेक्ट वाइज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट, वो जो सब्जेक्ट वाइज जो है उसके ऑब्जेक्टिव और कंटेंट को बनाओ, फिर कोर्स स्टडी एंड द ऑल लोकेशन, मतलब कितने कोर्सेज को हमें पढ़ाना है और उसके लिए जितने पैसे आएंगे, समय लगेंगे, उन सारी चीजों को एलोकेट करो, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस भी जो टीचर उसे पढ़ाने जा रहे हैं क्या उनको खुद को भी उतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, इंस्ट्रक्चरल एड्स एंड मटेरियल्स, ये जो हमारे जितने भी मटेरियल्स देते हैं, या फिर जैसे कि किसी चीजों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, माइक की आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें वहां अवेलेबल करवा सकते हैं या नहीं, इवेल्यूशन ऑफ द लर्निंग आउटकम एंड द फीडबैक ऑफ द पीपल, टीचर्स एंड पेरेंट्स, और टीचर्स पेरेंट्स और पीपल जो हैं इन सब लोगों से भी फीडबैक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर लोकल स्तर पर आप चले जाओ तो वहां पे वहां के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, और उस चैलेंजेस को वहां के लोकल पीपल और फिर अपने बच्चे को अपने पेरेंट्स से बेटर वे में कौन जान सकते हैं, और फिर उन सोसाइटी को वहां के जो लोकल रहने वाले हैं उससे बेहतर कौन जान सकता है, तो इनसे भी फीडबैक लेने की आवश्यकता है कि क्या हमें इंस्ट्रक्शनल जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाने की आवश्यकता है जिससे हम लोग जो है एजुकेशन सिस्टम को बेटर और इफेक्टिव बना सकें। द गवर्नमेंट आर बीइंग आस्क्ड टू स्पेंड ऑन द स्पोर्ट्स, अभी गवर्नमेंट को ये बोला जा रहा है कि आप स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा और भी जो है एलोकेशन करो, मनी का एलोकेशन करो, लेकिन ये बात समझने वाली बात है कि ये हम स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं समझ सकते, स्पोर्ट्स जो है अपने आप में एक राइट है, और वो जो राइट जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो है ये स्पोर्ट्स भी जो है बच्चों को मिलना चाहिए। व्हेन वी स्पोक अबाउट स्कूल्स इमेजेस ऑफ द चिल्ड्रन फ्लैशेस ओवर आवर, जब हम लोग स्कूल की बातें करते हैं वो छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जो परिदृश्य है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं, और ऐसे बात में जितनी भी रिसोर्सेस हैं एजुकेशन
एजुकेशन की, वो सबसे पहला हक जो है उन बच्चों का ही इस पर होना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे मतलब कोई मिनिस्टर्स बोल दे कि हम पैसे को आपको नहीं दे सकते, आप एल्यूमिनाई को जाकर कंसल्ट करो। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और जितने भी इसमें चीज़ों को बताई गई है, ऑब्जेक्टिव्स को और फिर प्लानिंग को, उस प्लानिंग को बेटर वे में मॉनिटर करने की आवश्यकता है। थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इसके अलावा जो एक और आर्टिकल है सेल्फ स्टीम NPTEL, जो मैंने पहले ही आपको डिस्कस करके बता दिया फ्रंट पेज पे, तो इसके जो भी मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्यूचर रिवीजन पर्पस के लिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे भी साथ में इंक्लूड करके डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।